नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भारत ने 7 अक्टूबर को पाकिस्तान सरकार को एक मैसेज भेजा था। इसमें कहा गया था कि भारत सरकार अफगानिस्तान में भूख से परेशान लोगों को 50,000 टन गेहूं और दवाइयां भेजना चाहती है, इसलिए पाकिस्तान इंसानियत के नाते मदद करे और वाघा बॉर्डर से भारत के ट्रकों को यह सामान लेकर अफगानिस्तान जाने दे। 2 महीने से ज्यादा गुजरे लेकिन इमरान सरकार ने इसकी मंजूरी नहीं दी। उधर भारत ने भी ऐलान कर दिया है कि वह अफगानिस्तान की मदद जारी रखेगा। भारत सरकार इस मसले पर पाकिस्तान से बातचीत करती रहेगी। भारत ने पिछले हफ्ते अफगानिस्तान को एयर रूट के जरिए दवाइयां और लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स भेजे थे। रिटर्न फ्लाइट में 10 भारतीय और 94 अफगान नागरिक भारत आए थे। भारत ने 10 नवंबर को एक मीटिंग बुलाई थी। इसमें रूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के एनएसए शामिल हुए थे। इसी मीटिंग में अफगानिस्तान को गेहूं और दवाइयां भेजने का वादा किया गया था। 7 अक्टूबर को भेजे गए भारतीय विदेश मंत्रालय के लेटर का जवाब पाकिस्तान ने 24 नवंबर को दिया। इसमें फिजूल सी शर्तें रख दी। उसका कहना है कि भारत के ट्रक वाघा बॉर्डर पर सामान उतारकर पाकिस्तान के ट्रकों में लोड कर दे, वहां से इन्हें पाकिस्तान के ट्रकों में लोड किया जाए, फिर ये ट्रक अफगानिस्तान जाएंगे। दरअसल पाकिस्तान एक तीर से 2 शिकार करना चाहता है। पहला, पाकिस्तानी ट्रक जब सहायता सामग्री लेकर जाएंगे तो बीच में इस पर हाथ साफ किया जा सकता है, यानी जाहिल कौम इसकी चोरी कर सकती है और इन्हें अपने गोदामों में ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा, ट्रकों पर पाकिस्तान का झंडा लहराएगा, मतलब अफगानिस्तान की जनता ये समझे कि उन्हें भूख से बचाने के लिए मदरसा मुल्क गेहूं और दवाइयां भेज रहा है। पाकिस्तान की शर्तों या मांगों को भारत सरकार बहुत बेहतर समझती है। यही वजह है कि भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि अफगानिस्तान तक भारत के ट्रक जाएंगे और इन ट्रकों के साथ यूएन की टीम जाएगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।